अध्यापकों एवं समस्त ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बताते चले कि आज कस्बा बार में स्थित श्री रघुवीर सिंह नेताजी इंटर कॉलेज में कॉलेज के प्रबंधक श्री रमेश कुमार सिंह एडवोकेट द्वारा छू लो आसमान किसने रोका है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर GST भोपाल श्री लोकेश कुमार लिल्हारे रहे। कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को बताया गया कि आज के जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है और शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। उन्होंने कहा कि हर माता पिता का ये कर्तव्य कि वह अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और अच्छे विद्यालय में अध्ययन कराएं। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों को समझाते हुए कहा कि आज के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, शिक्षा के बिना सब बेकार है। चाहे आप मजदूरी करें लेकिन आप अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करें। उन्होंने बच्चों को समझाते हुए कहा कि आप मन से पढ़ाई करें, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो अच्छी शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप एक पुलिस अफसर, IAS अफसर, PCS अफसर भी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्रा उपस्थित रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा वारसी जितेंद्र यादव के साथ पुष्पेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। जैसा कि हम 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हमें स्वतंत्रता 1947 में मिली थी और बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन आज भी हम गाँव की ओर जाते हैं, हमें देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से गाँव का बदलाव आना चाहिए था उस प्रकार से आज भी गाँव का बदलाव नहीं आया है। आज भी अशिक्षा, कुरीतियाँ और नशा जैसी प्रवृत्तियाँ गाँव में विद्यमान हैं, जो हमारे देश को उस जगह पहुँचने से रोक रही है जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। इसीलिए हम सभी लोगों ने एक बैनर छू लो आसमान किसने रोका है के तहत हम गाँव गाँव जाते हैं, चलो गाँव की ओर। इसमें हमें बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं, उनके अभिभावकों को बताने का प्रयास करते हैं कि किसी भी बच्चे में किसी प्रकार की कमी नहीं है। शहर के बच्चे हों चाहे बड़े घर के बच्चे हों, सभी को ईश्वर ने एक जैसी आँख, कान, नाक, बाल और इन्वायरमेंट दिया है। बस ये आपके ऊपर निर्भर करता है और आपकी संगत के ऊपर निर्भर करता है और आपके मार्गदर्शन पर निर्भर करता है कि वो किस दिशा में पहुँचे। आसमान सभी के लिए खुला है, कोई भी इसे छू सकता है। बस हम यही बच्चों का एहसास दिलाने के लिए आ रहे हैं कि आप में भी योग्यताओं की कमी नहीं है, आप में भी क्षमताओं की कमी नहीं है और ईश्वर ने भी आपको उन्हीं सब कामों से नवाजा है और आपको एक ईश्वरी रूप प्रदान किया है, आप मानव स्वरूप प्रदान किया है। तो आप अपने क्षमता को पहचाने और क्षमता का प्रयोग करें और आगे जाएं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो आजकल देख रहे हैं कि बच्चे एक आते मन नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि ग्रामीण समाज में पेरेंट्स, अभिभावक खुद शिक्षित नहीं होते, इसलिए बच्चों को सही मार्गदर्शित नहीं कर पाते हैं। मेरा ग्रामीण अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चा जब स्कूल से आता है तो 14 घंटे घर में रहता है। जिस प्रकार का शहर के माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार केवल स्कूल में जाने से बच्चों का भविष्य नहीं बनना है। ग्रामीण अभिभावकों को भी बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी संगत को सुधारना पड़ेगा, गलत आदतों से उनको दूर रखना पड़ेगा और भविष्य के बारे में बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से निकले जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा बार बार कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ेगा गाँव में, ताकि वो बच्चे आए, वो अधिकारी आए, वो कर्मचारी आए और अन्य बच्चों को बताएं कि उन्होंने कैसी मेहनत की ताकि वो उसी गांव से आगे निकल पाए। तो सर, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप बच्चों और अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों और अभिभावकों के लिए केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आसमान सभी के लिए खुला है, अवसर सभी के लिए है, बस आवश्यकता है उन अवसरों को पकड़ने के। अभिभावकों से मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके बच्चों में वही क्षमता है, वो भी एक बीज की तरह है जो चाहे तो कितना भी फल दे सकते हैं, बस उसी तरह उसका ध्यान रखना है, उसकी परवरिश करनी है, जिस प्रकार आप एक अच्छे वृक्ष की करते हैं जो आपको छाया भी देता है और भविष्य में फल भी देता है। आपके बच्चे भी भविष्य में इस गांव को छाया देंगे, आपको फल देंगे और इस देश के भावी भविष्य बनेंगे। बस उस पर ध्यान रखकर उसे आगे ले जाने की आवश्यकता है और इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, जैसे भागवत होता है, जैसे गणेश उत्सव होता है, जैसे 26 जनवरी का उत्सव होता है। इन उत्सवों में हमारा पंडाल सजता है, हमारा माइक लगता है, जैसा कि रमेश जी मेरे साथ काम किए हैं, हम लोगों ने साथ में काम किया, उनका हमेशा ही कहना रहता है कि ये केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने के साथ साथ अगर हम मार्गदर्शन वाला कार्यक्रम भी कराएं, कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम भी कराएं, जो केवल शहर के बच्चों को मिलता था, यदि गाँव के बच्चों को मिलने लगे तो उनका उनका भविष्य बन जाएगा। इसी निवेदन पर मैं बाहर के स्कूल में आया था
और बच्चों के साथ मैंने डिस्कशन की, और आपने भी देखा कि बच्चों की ताजगी और ऊर्जा को देखकर आप भी ये कह सकते हैं कि ये भी बच्चे किसी से कम नहीं है। ये बच्चे अगर जागेंगे तो देश और आगे बढ़ेगा, और हम भविष्य में जिस गणतंत्र की कल्पना हमारे शहीदों ने की थी वो गणतंत्र हम जरूर पूरा करेंगे।